राजेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितना श्योर है आपको? सदा आम आदमी पार्टी को बहुमत है, फिर भी बीजेपी का दावा है कि मेयर डिप्टी मेयर बन, चाहे वो किसी भी पार्टी के पार्षद हैं, सारे अच्छी पार्टी को ही वोट करेंगे। सब चाहेंगे कि कोई ऐसे अपना झूठे बहकावे दिखाने वाली पार्टी ना आए, उनका मेयर ना आए और अच्छी पार्टी का मेयर बने। जो मनोनीत पार्षद हैं, क्या उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा? जो भी होगा कानून के अंतर्गत होगा। तो प्रवेश वर्मा है और साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि बेशक बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन उसके बावजूद उसका दावा है कि मेयर पद पर बीजेपी काबिज हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि वोटिंग के वक्त, चूंकि सबसे बड़ी बात एमसीडी चुनाव में है कि यहाँ दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अंतिम दौर तक जो पार्षद है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वोट करे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब वोटिंग होगी तो जो 134 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी सोच रही है उसमें कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए, यानी किसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता? कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।